हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लाइव ऑन किया था, मुझे लगा कि लाइव ऑन हो चुका है लेकिन वो ऑन नहीं था। तो हमारा जो आलू और जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है, इसके ऊपर मैंने डाल दिया धनिया पाउडर। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम उन्हें खाना। मैंने कहा अब नमाज पढ़ेंगे साथ तो आप निकल गए और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। मैंने आपसे पहले कहा नहीं, खत्म कर दिया इन्होंने। किस किस ने ज्वाइन किया मैं फटाफट करना। मुबीन भाई से बोलो उसकी रोटी ला के दे। हाँ खाना बन गया, मैं देती हूँ। बुलाओ जल्दी से उसे। सलाम वालेकुम। सलाम। और देखिए जी हमारा ज़बरदस्त सा जो आलू गोश्त था वो डैडी अब इसके ऊपर हम जब डालेंगे धनिया। और ये देखें जी ये इसके ऊपर हम डाल देंगे ग्रीन कटा हुआ धनिया। हरी मिर्चें और साथ डाल देंगे इसके ऊपर हम हरी मिर्चें और फिर से सर्व करेंगे गरम गरम नान के साथ चटनी के साथ। और ये देखें जी चटनी हमारे यहाँ पे रेडी है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें पुदीने धनिया की और हरी मिर्चों की मैंने चटनी बनाई है, इसमें पुदीना नहीं है। क्या आप कह रही हैं आज हमने बनाया है आलू गोश्त। पहले मैंने दिखाया कि ये किस तरह से हमने बनाया, जब मैंने इसे प्रेशर लगाया तब मैंने जो लाइव है वो ख़त्म कर दिया था कि इसके फाइनल लुक मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और ये इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे जो कि हम साथ साथ ही काटेंगे। अब रोटी आ जाए तो बस आपको देते हैं। बड़ी ये तीखी मिर्चें हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा खाना। ये देखिए मेरी जो फेवरेट ग्रेवी है ना वो ये है। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है। और अगर इसी धनिया वाले शोरबे के साथ एक बाइट लेके खाएंगे तो वाह जी वाह क्या ही मज़ा आएगा। चले जी हमारा खाना अब रेडी है, अब हम करेंगे इसे सर्व क्योंकि जो मेहमान हैं वो वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए। नान हमारे जो आ रहे हैं गर्मा गर्म तंदूर से और इसके साथ साथ हमने ये चिकन के लिए बिरयानी के लिए चिकन वॉश करके रखा हुआ है इसकी, अब हम बनाएंगे बिरयानी। चावल हमने भिगो के रखे हुए हैं। बिरयानी की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिरयानी भी मैं लाइव ही बनाऊँगी और आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो उधर भी काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, खुद से तारीफ किए जा रहे हैं जी राबिया। और कोई नहीं यहाँ पे तारीफ करने के लिए, तो मैं खुद क्यों ना तारीफ करूँ जब मैंने खाना इतना अच्छा बनाया और देखने में उसकी शक्ल इतनी खूबसूरत है। अब आप लोग तो बाहर निकल के बोलेंगे नहीं कि ओहो देखें जी कितना खूबसूरत है, तो इसलिए परेशान मत हो। अगर आपका दिल कर रहा है तो आप भी तारीफ कर दें, अगर नहीं कर रहा तो फिर जले सड़े जो मैसेज हैं वो अपने पास रखें। ये देखें जी मैं फिर बोल रही हूँ, ये देखें जी कितना खूबसूरत हमारा आलू गोश्त जो है वो तैयार हुआ है। जिसे देख के मुँह में पानी आ रहा है, बस मैं बस ये इंतज़ार कर रही हूँ कि आपके मुँह से जो पानी है वो नीचे गिरी जाए। इस तब तक मैं लाइव बंद नहीं करूँगी जब तक आप बस हाथ ना जोड़ देंगे, बस अल्लाह के वास्ते बंद कर दो। बहुत दिल कर रहा है खाने के लिए, मैं सोच रही हूँ कि आपको एक बाइट लेके मैं दिखाई दूँ। चेयर लेके आओ वहाँ से बर्तन निकाल दें, कुर्सी छोटी लेके आओ मैं निकाल दूँ। जी सना कैसे बोल रही हूँ मैं, बस कुछ लोगों के साथ ऐसे बोलना चाहिए, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा बोलना चाहिए क्योंकि हर कोई अपनी चीज़ की तारीफ करता है। मैंने आज दिन तक कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो अपनी चीज़ की तारीफ मत ना करे। देखिए हम किसी स्टोर में भी जाते हैं तो कहते हैं बाची ये देखें कितना खूबसूरत है, ये देखें ये उससे बढ़ के, ये आप पे बड़ा अच्छा लगे, ये जूते देखें, ये ज्वेलरी देखें, तो अपनी चीज़ की तारीफ तो करनी पड़ती है ना आपको।
पानी को थोड़ा कम कर दें तो अच्छा है जी। जब नहीं बली, जब आप पकाएंगे तो आप पानी को कम कर दीजिएगा। मुझे ज़्यादा शोरबा अच्छा लगता है और तो इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा डाला है। और इतना इसमें माशाल्लाह, इतना इसमें गोश्त और इतने इसमें आलू हैं, तो पानी को हम पहले ही पानी कम है, पानी को हम और कम कर देंगे तो इतनी थिक उसकी ग्रेवी जो कि खाई भी नहीं जाएगी। तो आप अपने स्पाइसेस और पानी तो आपके अपने चॉइस के ऊपर है ना, आपने शोरबा कितना रखना है, आप कितना खाते हैं, मिर्ची आपने कम खानी है, मिर्ची आपने ज़्यादा खानी है। जैसे कि हमें नॉर्मल खाना अच्छा लगता है, कोई लोग हैं जो बहुत फीका खाते हैं तो वो देखेंगे तो कहेंगे कि ओहो मिर्ची तो उसमें बहुत ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको थोड़ी डाल के देनी है, आपने खुद डाल दी है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालेंगे ना। और मैंने जिस मकदार में बनाया मैं उसके मुताबिक डालूँगी। आपने क्या पता कितना पकाना, ज़्यादा पकाना है या कम पकाना है, तो आप उसी के मुताबिक बनाएंगे। आमिर साहब बड़ा नसीब वाला है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बड़े नसीब वाली हूँ और वो भी बड़े नसीब वाले हैं, उन्हें मेरे जैसी वाइफ मिली और मुझे उनके जैसा अच्छा खामद मिला। वेरी नाइस। आज तो आपको बिरयानी बनानी थी जी। बिल्कुल सुमेरा, मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। आलू गोश्त मियाँ की फरमाइश थी, बिरयानी मेरा खुद का खाने को दिल चाह रहा है। बिरयानी के लिए चिकन हमने वॉश करके रखी है, जब मैंने गोश्त पका लिया। वैसे मैंने बिरयानी जो ना वो मटन की पकानी थी, लेकिन अब मैं चिकन की पका रही हूँ क्योंकि मटन तो मैंने वैसे ही पका लिया, तो अब चावलों में चिकन डालेंगे। कितनी इसकी जबरदस्ती ग्रेवी है। इस ग्रेवी के साथ अगर डिप करके आप खाना खाएंगे तो कितना मजा आएगा, और जब साथ आपके पास ग्रीन चटनी भी हो और साथ में कोई अच्छा सा ड्रिंक भी हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। थोड़ी देर बाद मैं अब किचन में समेटा समेटी करके मेहमानों को खाना सर्व करके फिर बनाऊंगी बिरयानी, तकरीबन कोई पौने घंटे तक या एक घंटे तक मैं फिर से लाइव आऊँगी। और मैं भी आधे घंटे के बाद भी आ जाऊँ क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने के लिए और अपनी बिरयानी बनाने के लिए। तो फिर लाइव आती हूँ और फिर मुझे ज्वाइन करिएगा और बिरयानी की जो रेसिपी वो देखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।